हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंजना सोनी। मेरे इस चैनल इजी ड्राइंग एंड क्राफ्ट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम फर से फल से फलों की टोकरी बनाएंगे। उसके लिए सबसे पहले आप बच्चे को बोलो कि फ का व्यंजन लिखो, तो बच्चा इस तरीके से फ का व्यंजन लिखेगा। उसके बाद आप बच्चे को इजी तरीके में बोलेंगे, बेटा यहाँ जिगजैग को ड्रॉ करो। ये देखिए, इस तरीके से बच्चा जिगजैग ड्रॉ करेगा। ड्रॉ करने के बाद आपको यहाँ पे आपको बच्चे से कुछ डॉट बनवाने हैं। डॉट बनवाने के बाद यहाँ पे हल्की हल्की आपको लाइनिंग बनवानी है। जब ये लाइनिंग कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद में आप देखिए, आपको यहाँ से अनार के कुछ दाने इस तरीके से कंप्लीट करवाने हैं। ये देखिए, ये अनार के दाने कंप्लीट हो गए। जब ये कंप्लीट हो जाए, उसके बाद में हमें यहाँ से बनाना का शेप देते हुए बनाना है। उसके बाद में टू बनाना के बाद में हम इस जगह से एप्पल बनाएंगे। अब देखेंगे आप एप्पल कैसे बनेगी। एप्पल को हम, ये देखिए हमारी एप्पल की शेप बन गई है बिल्कुल राउंड शेप में। और यहाँ से हमें इसकी टू लीव्स निकाल लेनी है। इस तरह से लीव बन जाएगी। अब उसके बाद में हमें यहाँ से ग्रेप्स बनाने हैं, और ग्रेप्स हमारे इस तरीके से बन जाएंगे। जब ग्रेप्स बन जाएंगे, उसके बाद हमें यहाँ से कुछ बनाना जोर बनाने, 1 एंड 2, ये 2 बनाना जो कंप्लीट हो गए। जब ये बनाना कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद में हमें यहाँ से हमारी टोकरी बनानी है। टोकरी बनाने के लिए आप बच्चे को बोलना इस तरीके से टोकरी का शेप देंगे बच्चे, और उसके बाद एक नीचे लाइन देते हुए इस शेप को आप इस तरीके से पूरा मिला सकते हैं। जब ये मिल जाए तो आप इसको हल्का सा फिर से ड्रॉ कर दीजिए, और साथ में हमें इसके अंदर 2-2 लाइन बनानी है इस तरीके से। तो देखिए, हमारी फर्स्ट से फल की टोकरी इस तरीके से तैयार हो जाएगी। जब ये कंप्लीट हो जाए, उसके बाद में हमें यहाँ से इस तरीके से शेप देना है। ये देखिए, और इसको होने के बाद हमें फर्स्ट से फल की टोकरी को यहाँ से मिलाते हुए इस तरीके से हल्का सा शेड इसके अंदर देना है। और हम चाहें तो यहाँ से हम इसके अंदर मैंगो की पिक्चर भी इस तरीके से बना देंगे, जिससे हमारा मैंगो हमें यहाँ दिखा हुआ नज़र आएगा। और इसके अंदर साथ में इसकी छोटी सी एक लीफ बना दो, तो ये हमारा बन गया आसे आम। तो उसमें हमारे सारे फ्रूट्स आ गए हैं। तो अब हम लास्ट में बच्चों को पूछेंगे, बेटा ये कौन से व्यंजन से बना है, तो एक बार आप उसे जरूर से ड्रॉ करके दिखाइए इस तरीके से, ताकि बच्चे को दिखे कि हमने कौन से उसे बनाया है। तो बच्चों को लिखना सिखाएंगे फ से फल इस प्रकार से। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ जरूर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।